समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। मंगलवार को उन्होंने एक फोटो पोस्ट की जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद हो रही है। फोटो के साथ अपर्णा ने ज्येष्ठ माह के द्वितीय बड़े मंगलवार की सबको बधाई दी। यूजर्स ने इसे हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते फोटो पर 10,000 से ज्यादा लाइक्स और 500 से ज्यादा रीट्वीट हो गए। वायरल फोटो में अपर्णा की गोद में एक बंदर का छोटा बच्चा बैठा हुआ है। उसे देखकर अपर्णा मुस्कुरा रही हैं। अपर्णा के एक हाथ में कोई धार्मिक किताब है तो दूसरा हाथ बंदर के बच्चे के नजदीक। इस फोटो के साथ अपर्णा ने लिखा, आप सभी को ज्येष्ठ माह के द्वितीय बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। अपर्णा ने जैसे ही बंदर के बच्चे के साथ तस्वीर शेयर की, यूजर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ज्यादातर यूजर्स ने कमेंट में जय श्री राम लिखा और अपर्णा को बधाई दी। डॉक्टर जीडी पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा, बड़े मंगल को बाल हनुमान साक्षात अपर्णा जी की गोद में, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। विवेक नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा, बहुत सुंदर बहन। विकी नैथानी नाम के एक यूजर ने लिखा, ये बहुत खूबसूरत है। अपर्णा यादव की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कभी वो बच्चों के साथ गौशाला जाकर गोवंश को रोटियां खिलाते हुए दिखती हैं, तो कभी पहाड़ और नदी के बीच योग करती हुई। अपर्णा जब अपने बच्चों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गई, तब की फोटो भी लोगों ने खूब पसंद की। इसमें वो अपनी बच्ची के साथ सीएम योगी के माथे पर चंदन का तिलक लगाते दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी की जीत के बाद अपर्णा के मंत्री बनाए जाने के कयास थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ज्वाइन करने के दौरान अपर्णा यादव ने कहा था, मैं हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित थी। मेरे चिंतन में राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। मैं अब राष्ट्र की आराधना के लिए निकली हूँ। मैं पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूँ। मैं यही कहूँगी कि अपनी क्षमता के मुताबिक जो भी कर सकूंगी वो जरूर करूंगी। आपको बता दें कि अपर्णा यादव लंबे समय से पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती रही हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की एक अहम वजह लखनऊ कैंट विधानसभा की सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपर्णा यादव 2017 का चुनाव बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। इस बार सपा ने अपर्णा यादव को अनदेखा कर दिया, जिसके चलते वो बीजेपी में शामिल हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।